हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इस तरह का क्वेश्चन में के का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बोला है इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इक्वल रूट्स होंगे तो उसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बोला, के का वैल्यू फाइंड आउट करने और साथ ही साथ हम लोग को बोला है इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है जीरो। जी हाँ, डी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो से हम लोग कैसे निकालेंगे, डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो कर देना है। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है, बी के जगह के, तो के का स्क्वायर कर दीजिए माइनस फोर, ए के जगह क्या है टू, तो टू लिखिए, सी के जगह पे क्या है थ्री, तो वो थ्री भी लिख दीजिए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस फोर टू जो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, यहाँ पे के स्क्वायर रहने दीजिए, ये माइनस ट्वेंटी फोर उधर गया तो प्लस में ट्वेंटी फोर। अब एक काम करिए, यहाँ पे के स्क्वायर है तो क्या करना है, स्क्वायर अगर उधर चला जाता है तो आपको पता होगा रूट लग जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बहुत कोई गलती कर देते हैं, स्क्वायर उधर ले जाते हैं रूट तो कर देते हैं, बट यहाँ पे एक चीज और होता है, क्या होता है, जैसे स्क्वायर उधर गया तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का दोनों साइन लगता है। ठीक है, अब क्या करना है, 24 रूट के अंदर है, प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 24 को तोड़ेंगे रूट के अंदर तो कितना बार में टूटेगा, तो ध्यान से देखिए 24 को हम लोग इस तरीके से तोड़ लेंगे, 24 टू 12 से, 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में। ठीक है, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको हम लोग रूट से बाहर ले जाना है, तो टू का पेयर बन रहा है, टू बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, टू इंटू थ्री मतलब कि सिक्स, तो प्लस माइनस टू रूट सिक्स के का वैल्यू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, के एक्स इंटू ब्रेकेट में क्या है, एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी सेम वही चीज दिया है कि इसका भी इक्वल रूट्स है, आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम लोग करेंगे के एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स इंटू माइनस टू तो हो जाएगा माइनस टू के एक्स, क्या हो जाएगा टू के एक्स। ठीक है, फिर प्लस में क्या सिक्स है इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब हम लोग को इक्वल रूट्स दिया हुआ है, इक्वल रूट्स होने के लिए लिख लेंगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिखने नहीं भूलना है, गिवन गिवन इक्वेशन है इक्वल रूट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का जीरो। अब डी जैसे हम लोग का जीरो होता है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, याद रखिए क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस टू है तो माइनस टू के का स्क्वायर, फिर माइनस फोर ए के जगह क्या है भाई के है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के। ठीक है, सी के जगह पे क्या है, यहाँ पे सिक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यहाँ माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फिर साथ में के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, फिर माइनस सिक्स फोर हो जाएगा ट्वेंटी फोर, और इधर साइड में के इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आ गया है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपल सा फोर के कॉमन ले लीजिए, दोनों में फोर है और के भी है, फोर के कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा के माइनस फोर का टेबल में ट्वेंटी फोर कितने बार में सिक्स बार में, के तो निकल चुका है इज इक्वल टू हो गया आपका जीरो। ठीक है, तब यहां से आपका फोर के इज इक्वल टू एक बार जीरो हो जाएगा, उसके बाद के माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक बार आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू जीरो बाय फोर, और यहां से के इज इक्वल टू क्या माइनस सिक्स उधर गया तो प्लस में सिक्स, तो के आपका जीरो बाय फोर मतलब जीरो भी हो सकता है और के इज इक्वल टू आपका सिक्स भी हो सकता है, तो ये दोनों आपका के का वैल्यू आ चुका है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को रियल और इक्वल रूट्स दिया हुआ है, इसमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे के स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक्स के आगे ये है, फिर प्लस में फोर इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी के स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी के जगह क्या है माइनस टू, फिर के माइनस वन इस पूरे का स्क्वायर।
ठीक है, फिर माइनस फोर है, ए के जगह पे क्या है के स्क्वायर, और सी के जगह पे क्या है फिर से फोर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर, फिर यहाँ पे के माइनस वन का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर फोर जा सिक्सटीन के स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप क्या करिए, अच्छा इज इक्वल टू जीरो भी लिखना है भाई, इज इक्वल टू जीरो भी लिखना है। अब यहां से फोर आप कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, फोर कॉमन निकाल दीजिए। जैसे आप फोर कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के माइनस वन का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। माइनस सिक्सटीन अगर बाहर चला गया तो, मतलब सिक्सटीन बाहर नहीं गया, और सिक्सटीन में से फोर अगर बाहर चला गया तो फोर फोर जा सिक्सटीन होता है। फिर यहाँ पे बच गया आपका के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये फोर तो उधर चला जाके जीरो, अब यहाँ पे के माइनस वन का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, के का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस है तो माइनस लगेगा, टू इंटू के टू के, इंटू वन तो टू के, फिर प्लस लगा के वन है तो वन का स्क्वायर, फिर माइनस है फोर के स्क्वायर है, राइट, इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, के स्क्वायर वाला को अगर ध्यान से देखें, के स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर तो माइनस थ्री के स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस में टू के, फिर प्लस में वन का स्क्वायर है तो वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप कभी भी नोटिस किए हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक हम लोग सोल्व किए हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट होता है, मतलब कि के स्क्वायर के आगे या फिर एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर रहता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो इसमें भी हम लोग पॉजिटिव रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, या फिर पूरे इक्वेशन को उधर ले जाएंगे, इक्वल टू से उधर ले जाएंगे। तो जैसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस में थ्री है उधर जाके प्लस में, ठीक है, ये जो माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में, और ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, उधर मतलब क्या, उधर जीरो मतलब इक्वल टू से उधर, मतलब इक्वल टू के तरफ, क्या बोलते हैं, जीरो के तरफ, ठीक है। तो अब इधर फाइनली उधर तो जीरो के तरफ ही आ गया, अब इधर साइड में क्या बच गया भाई, जीरो बच गया। अब यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल के आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को फैक्टराइज करने बताता हूँ, ठीक है। थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, थ्री। अब थ्री को तोड़ करके आपको लाना है टू, तो जो कि आसान है, ठीक है, थ्री है, थ्री को तोड़ करके लाना है कितना, टू। तो थ्री वन जा थ्री कर देंगे, थ्री माइनस वन करेंगे तो टू आ जाएगा, वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, थ्री के स्क्वायर प्लस में थ्री के लिखेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे, वन के, मतलब वन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ के लिखा जाता है, फिर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ से दोनों से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा, थ्री के, यहाँ क्या बच जाएगा, के प्लस में, यहाँ क्या बचेगा, वन, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब के और वन में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे वन कॉमन निकाले तो क्या बच गया, के। अब यहाँ जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं, यहाँ का जो साइन है वो क्या होता है, बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वन का टेबल में वन, वन बार में इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम सेम है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिख दीजिए के प्लस वन, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर में क्या, थ्री के माइनस वन, तो थ्री के माइनस वन भी लिख दीजिए इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार क्या हो जाएगा, के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे थ्री के माइनस वन इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से के बराबर क्या हो गया, प्लस वन उधर गया तो माइनस में वन, ठीक है, और यहाँ पे थ्री के है, ये माइनस वन उधर गया तो प्लस में, और ये के इज इक्वल टू वन बाय थ्री, के का वैल्यू माइनस वन और यहाँ पे के का वैल्यू माइनस वन, सॉरी वन बाय थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोग को इस तरह का इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और हाँ, अगर इस तरह का वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं, क्लास नाइन से रिलेटेड, टेंथ से रिलेटेड, सेवन एट का भी कुछ कुछ वीडियो मैं डाल दूंगा, साथ ही साथ इलेवन ट्वेल्व का वीडियो भी भर के आएगा भाई, धीरे धीरे आते रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन आप लोग अच्छे से प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.